हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गजेंद्र वर्मा और टेंस के एक और लेसन में आपका स्वागत है। और इसमें बारी है अब टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसके स्ट्रक्चर एंड यूजेस हम देखने वाले हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक माय ब्रश। ओके, स्लाइड वन, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो अफिर्मेटिव सेंटेंसेस के सबसे पहले हैं। अफिर्मेटिव सेंटेंस यानी वो सेंटेंस जो सकारात्मक होते हैं, जिसमें भी किसी भी तरह का नॉट या क्वेश्चन का प्रयोग नहीं होता है। तो सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले कर्ता, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल शैल के साथ हैव का यूज़ होगा। विल और शैल, विल का यूज़ हम करते हैं आई और वी को छोड़ करके बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ, और आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं। लेकिन आजकल शैल का प्रयोग बहुत ही कम हो गया है, ज़्यादातर आई और वी के साथ हम विल का ही यूज़ करते हैं। हाँ, क्वेश्चन में आई और वी के साथ हमें शैल का ही यूज़ करना चाहिए। जो ऐसे क्वेश्चन जिनमें हम किसी की राय जानने को पूछते हैं या खुद के बारे में कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करना चाहिए। हाँ, बाकी अफिर्मेटिव में और नेगेटिव में आई के साथ विल शैल का प्रयोग आजकल इजीली चलता है, तो आप ना भी करें तो चलेगा। नेक्स्ट, इसके बाद हम यूज़ करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का, क्योंकि परफेक्ट टेंस भले ही वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, सभी में थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद रेस्ट पार्ट। रेस्ट पार्ट का मतलब सेंटेंस का बाकी हिस्सा, जैसे कि ऑब्जेक्ट हो गया या कोई एडवर्बियल हो गया, इन द स्कूल, इन द मार्केट, इस तरह से, तो वो सारा रेस्ट पार्ट बाद में आएगा। ओके, तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस के हमारे सामने एग्जांपल हैं बाय 6 PM टू नाइट। ये एक एडवर्बियल सेंटेंस है कि आज रात 6 PM तक, यानी आज रात 6 बजे तक ये चीज़ें हो चुकी होंगी। हाँ, एक बात और कि जब हम हिंदी करेंगे ऐसे वाक्यों की, या फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो हिंदी के सेंटेंस होंगे, उनमें लास्ट में आएगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। आपको याद होगा प्रेजेंट परफेक्ट पे हम बोलते हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं, पास्ट में बोलते हैं चुका था, चुकी थी, चुके थे, और इसमें बोलेंगे चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे। यानी कहने का सेंस ये है कि काम जो है फ्यूचर में एक निश्चित समय पर ख़त्म हो चुका होगा, या कोई भी काम जो हमें लगता है कि फ्यूचर में इस निश्चित टाइम तक ख़त्म हो जाएगा, तो उसके लिए हम इस टेंस को यूज़ करेंगे कि इतने बजे तक, इतने समय तक ये काम हो चुका होगा। ओके, जैसे इसमें है कि 6 बजे तक ये काम की उम्मीद है कि हो चुके होंगे। आई विल हैव फिनिश्ड दिस बुक, मैं इस बुक को ख़त्म कर चुका होऊंगा। उम्मीद है बोलने वाले को कि 6 बजे तक ऐसा हो चुका होगा, क्योंकि फ्यूचर वाले जो सारे सेंटेंस होते हैं उम्मीद पर बेस्ड होते हैं। यू विल हैव स्टडीड द इंग्लिश टेंसेज, तुम इंग्लिश टेंसेज की स्टडी कर चुके होगे। शी विल हैव कुक्ड डिनर। अब आप देखो सभी में थर्ड फॉर्म हैव के साथ हमेशा हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। इसमें फिनिश्ड है, इसमें स्टडीड है और इसमें कुक्ड है। शी विल हैव कुक्ड डिनर, वो डिनर को पका चुकी होगी। ही विल हैव अराइव्ड, वो आ चुका होगा। अराइव यहाँ पे फॉर्म वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है। वी विल हैव मेट जूली, हम जूली को मिल चुके होंगे। यहाँ पे मेट जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ओके, इजी है, विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की पहचान होनी बहुत ज़रूरी है, वर्ब की फॉर्म का पता होना भी बहुत ज़रूरी है। तो टेंसेज करने से पहले आप वर्ब की जो प्रमुख प्रमुख वर्ब्स हैं उनकी फॉर्म को एक बार नज़र ज़रूर मार लिया करें। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, विल शैल के बाद नॉट लग जाएगा और फिर हैव लग जाएगा, बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे रहेगा। बस नॉट ऐड करना है, तो विल हैव के बीच में नॉट ऐड कर देंगे, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। तो अगले हफ्ते तक, एग्जांपल देखिए, क्या नहीं हो चुका होगा, आई विल नॉट हैव फिनिश्ड दिस बुक। तो विल नॉट हैव का यूज़ करेंगे नेगेटिव में, विल नॉट हैव वर्ब की सेकेंड, सॉरी सर, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। आई विल नॉट हैव फिनिश्ड दिस बुक, मैं इस बुक को पूरा नहीं कर चुका हूँगा। यू विल नॉट हैव स्टडीड द इंग्लिश टेंसेज, तुम इंग्लिश टेंस नहीं पढ़ चुके होगे। शी विल नॉट हैव कुक्ड डिनर, वो डिनर नहीं पका चुकी होगी। कुक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही विल नॉट हैव अराइव्ड, वो नहीं आ चुका होगा। वी विल नॉट हैव मेट जूली, हम जूली को नहीं मिल चुके होंगे। तो बात यह है कि नॉट की प्लेसमेंट कहाँ है, तो विल नॉट हैव, यानी विल और हैव के बीच में हम नॉट को प्लेस करेंगे। ओके, तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा नेगेटिव। इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, एक तो येस नो टाइप के और दूसरा इलेबोरेटिव, जिसमें पूरा सेंटेंस का आंसर देना पड़ता है। येस नो टाइप के क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जिसमें
विल शैल को हम सब्जेक्ट से पहले लिख रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख रहे हैं। उसके बाद हाँ ध्यान ये रहे कि विल और शैल ही पहले लिखा जाएगा, हैव को सब्जेक्ट के बाद में ही रखना है। वर्ब की फॉर्म थर्ड ही रहेगी, बाकी रेस्ट पार्ट बाद में आ जाएगा। जैसे बाई नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक। क्या क्या क्वेश्चन कह रहे हैं? विल आई हैव फिनिश्ड राइटिंग दिस बुक, क्या मैं इस बुक को ख़त्म कर चुका हूँगा, इस बुक को लिखना ख़त्म कर चुका हूँगा। तो इसमें वर्ब कौन सी है? राइटिंग वर्ब नहीं है इसमें, फिनिश्ड ये वर्ब है। राइटिंग दिस बुक, यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। ये जब वर्ब के बाद आईएनजी लगता है तो ज़रूरी नहीं हर बार वो वर्ब भी हो, कई बार वो नाउन का काम भी करती है, एडजेक्टिव का काम भी करती है। तो ये आप मेरे लेसन जीरेंड और इन्फिनिटिव में देख सकते हो, जिसमें आपको डिटेल में बताया गया है कि कैसे वर्ब जो है नाउन का भी काम करती है और एडजेक्टिव भी बन सकती है। ओके तो विल आई हैव फिनिश्ड, यहाँ पे वर्ब ये है जो जिसकी फिनिश है, जिसकी थर्ड फॉर्म फिनिश्ड यूज़ की गई है। क्या मैं इस बुक को लिखना ख़त्म कर चुका हूँगा? विल यू हैव स्टडीड ऑल द इंग्लिश वर्ब टेंसेज, क्या तुम सारे इंग्लिश वर्ब टेंसेज पढ़ चुके होगे, क्योंकि विल पहले आया है इसलिए। अब ये सेंटेंस, विल शी हैव ग्रेजुएटेड, क्या वो ग्रेजुएशन कर चुकी होगी। ग्रेजुएट करना वर्ब है, यानी बीए का कोर्स, सॉरी बैचलर का कोर्स कर लेना। तो क्या वो ग्रेजुएट कर चुकी होगी? विल ही हैव गॉट मैरिड, क्या वो शादी कर चुका होगा। अगेन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ये है गेट की, गॉट। मैरिड यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज़ नहीं हुआ है, हालांकि है ये थर्ड फॉर्म। तो इसकी डिटेल जानने के लिए आप मेरा जीरेंड और इन्फिनिटिव वाला लेसन ज़रूर देखना। ओके तो थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के पहले लगी हुई है सभी में, थर्ड फॉर्म है ही और है अब यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद लगा है, तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाता है। ओके नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें डब्ल्यू एच वर्ड्स हैं, तो डब्ल्यू एच वर्ड्स ऐड करने के लिए स्ट्रक्चर वही रहता है क्वेश्चन का, बस सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड लग जाता है। जैसे पहला ये, When will I have finished writing this book? मैं इस बुक को लिखना कब खत्म कर चुका हूँगा। Why will you have studied all the English verb tenses by tomorrow? कल तक तुम सारे English tense क्यों study कर चुके होगे। When will she have been here this 3 weeks? When will she have been here 3 weeks? तो when से शुरू हुआ है, when का मतलब है कल। When will she have been here 3 weeks? तो तीन हफ्ते आगामी 3 हफ्तों में यहाँ कब तक रह चुकी होगी। Why will it have got colder by May? मई तक यहाँ ठंड क्यों हो चुकी होगी। Why है तो क्यों। How will we have met your boyfriend by tonight? हम तुम्हारे बॉयफ्रेंड को कैसे मिल चुके होंगे आज रात तक। When will they have left their jobs? वो अपनी जॉब कब तक छोड़ चुके होंगे। तो सभी में आप देखोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है, प्लस will have और shall have का यूज़ हुआ है। और क्योंकि क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन के अंदर will जो है सब्जेक्ट के पहले आएगा। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है तो will यहाँ पहले रखा गया है, have जो है वो बाद में ही रहेगा सब्जेक्ट के वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में। ये ध्यान रखने लायक बात है। यूजेज, इसके प्रयोग किन किन परिस्थितियों में होता है। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज ऑफन यूज विद अ टाइम एक्सप्रेशन शोन इन बोल्ड दैट आइडेंटिफाइज ए पॉइंट इन फ्यूचर। तो फ्यूचर का एक कोई टाइम पॉइंट दिया होता है, उसके हिसाब से हम इस टेंस का यूज़ करते हैं कि किसी खास टाइम में, फ्यूचर में, आने वाले समय में, किसी खास समय तक कोई काम पूरा हो चुका होता है, हमें लगता है या पूरा हो चुका होगा, तब इस सेंस में हम इस टेंस को बोलते हैं। पिछला टेंस हमने किया था फ्यूचर कंटिन्यूस, उसमें हमें यह लगता है कि जारी रहने वाला काम होगा किसी निश्चित समय तक या उस निश्चित समय के आगे भी जारी रहेगा, तो फ्यूचर कंटिन्यूस बोलते हैं। आने वाले समय तक अगर कोई काम पूरा हो चुका होता है तो हम इसका टेंस का यूज करते हैं। जैसे जॉन विल हैव बेक्ड ए केक बिफोर यू अराइव, तो ये फ्यूचर वाला टाइम है कि तुम्हारे आने से पहले जॉन केक पका चुका होगा, बेक कर चुका होगा। तो ये फ्यूचर का एक्सप्रेशन है, बिफोर यू अराइव, तुम्हारे आने से पहले, यानी उसका आना फ्यूचर का है काम, तो फ्यूचर में उसके आने से पहले कुछ हो चुका होगा। क्या हो चुका होगा? विल हैव बेक्ड ए केक, वो एक केक पका चुका होगा। दे विल हैव पेंटेड द फेंस, वो फेंस को पेंट कर चुके होंगे। फेंस होती है चार दीवारी, कर चुके होंगे कब? बिफोर आई हैव ए चांस टू स्पीक टू देम,
जब मेरे पास उनसे बोलने का चांस होगा, बिफोर आई हैव, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा है बिफोर आई हैव, क्योंकि टाइम क्लोज है और फ्यूचर का टाइम क्लोज है, तो ये सिंपल प्रेजेंट में ही लिखा जाता है। बाय द टाइम यू अराइव, तुम्हारे आने तक, जब तुम आओगे तब तक, वी विल हैव फिनिश्ड द मील, हम मील ख़त्म कर चुके होंगे, एंड द स्पीचिज, और स्पीच भी यानी भाषण भी ख़त्म हो चुके होंगे और मील भी ख़त्म हो चुका होगा। विल हैव फिनिश्ड, यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ हुआ है, विल के साथ हैव का यूज़ हुआ है। बाय द टाइम यू अराइव आइडेंटिफाइज द पॉइंट इन द फ्यूचर, ये मैंने आपको बता दिया है। बाय द टाइम यू अराइव, जब तक तुम आओगे, ये फ्यूचर की बात कर रहा है, ये फ्यूचर का टाइम शो कर रहा है। आई विल हैव रेड एवरी मैगजीन, मैं सारी मैगजीन पढ़ चुका हूँगा, रेड थर्ड फॉर्म, इसलिए रेड बोलेंगे इसको। इन द वेटिंग रूम, वेटिंग रूम में, बिफोर आई सी द डेंटिस्ट, डेंटिस्ट को दिखाने से पहले, अब डेंटिस्ट को दिखाना ये फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में भी वो दिखाने वाला है, तो वो कह रहा है कि उससे पहले क्या कर चुका होगा। आई विल हैव रेड एवरी मैगजीन, मैं हर मैगजीन पढ़ चुका होऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे इसके यूजेस, थोड़े ही हैं यूजेस इसके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो मुझे लगता है अभी हमने सारे टेंस पढ़ लिए हैं, एक टेंस रह गया है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो बहुत ही कम रेयरली यूज होता है, फिर भी वो आप इसको भी वीडियो में आप में डाल दूंगा, आप स्टडी कर लीजिएगा। अगर लेसन समझ में आए हो, अच्छे लगे हों, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।